तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक छोटी सी गलती जिससे इतना बड़ा लॉस हुआ। तो मैं सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी कहानी कि कैसे एक छोटी सी चींटी इतने बड़े हाथी को गिरा सकती है। मतलब ये कहानी है हमारे शूट की, कि हमारे साथ में पंजाब में जब हम शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में, ये तेरी आशिकी सॉन्ग का शूट जब चल रहा था, तो वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से काफ़ी कुछ लॉस हुआ। हम जब भी शूट करके आते हैं तो आने के बाद में हम अपनी फुटेजेस को देखते हैं, स्पेशली सचिन भाई फुटेजेस को देखते हैं कि कैसे शूट हुआ है और क्या आउटकम आया है। तो इस शूट पर भी यही हुआ। 1:30 बजे के करीब करीब हम लोग घर पे आए। सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, सब अपने अपने बिस्तर पे चले गए। लेकिन रैंडम हम जब बैठे हुए थे, मैं सचिन भाई बात कर रहे थे, तो सचिन भाई का ये इरादा हुआ कि क्यों ना फुटेजेस को थोड़ा चेक किया जाए, कैसा क्या आउटकम आया है देखते हैं। तो वैसे तो मैं बहुत थक गया था और अगले दिन का कॉल टाइम था 5 बजे का, तो यार मुझे भी सोना था बिकॉज अगले दिन फिर सुबह से जाकर सब कुछ करना है। पर सचिन भाई का मन नहीं मान रहा था, उन्होंने कहा कि यार एक बार फुटेजेस चेक कर लेता हूँ कैसे क्या क्या हुआ है। तो जब वो फुटेजेस चेक करने गए तो वहाँ पर हुआ एक बहुत बड़ा पंगा। एक छोटे से कैमरे की मिस्टेक के वजह से इतना बड़ा इशू हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। ये सारे फ्रेम जितना कुछ दिख रहा है ये सब कुछ भी आ गया, जस्ट एक कैमरे की मतलब कैमरे की सेटिंग्स थी, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है एक छोटी सी गलती की वजह से। सब बर्बाद। ये देखो इसमें भी मैनुअल फोकस सब जितने भी ये थे सेटिंग सब रिकॉर्ड हो गए, सब कुछ दिमाग खराब। और ये मैंने हर कोशिश किया, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैंने ये पता किया, फिर उसके बाद ये डिसीजन मैंने लिया कि वी कांट डू एनीथिंग। आधी रात को मैं सो चुका था, सचिन भाई ने मेरे को उठा के बोला ऑटो में उसकी बैटरी डाल, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरा हो गया, फिर वो पूरा जितना भी अपना फुटेज टोटल नहीं और पूरा सब खराब हो चुका। स्क्रीन डिटेल रिकॉर्डर का सिस्टम था वो ऑन रह गया था, तो एक गलती शायद क्लिक हुआ रहेगा तो सब बर्बाद। और पूरा हमने मतलब जो कुछ मेहनत किया ना कल सब बर्बाद हो गया। कल तो लाइक ऐसे हो गया था ना, जब शॉर्ट देखने के बाद मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था ना कि क्या करूँ। मैं उस कोने में कम से कम 10 मिनट तक बैठा था ऐसा। ओरिजिनल फुटेज में भी ना ये सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया था। हमने लगभग 7 सीन शूट किया था टोटल, हमारे ये जो सॉन्ग चल रहा है उसमें 15 सीन है, 7 सीन शूट किया था और सारे सीन में रात को जब चेक किया ये सब कुछ आ गया, तो इसको डाल नहीं सकते। सो हमें रीशूट करना है, एंड रीशूट मतलब बहुत बड़ा बजट, बिकॉज कम से कम भाई 1.5 से 2 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख मेरा ये अंदाज है। लोकेशन का किराया, स्पॉट से लेके आर्टिस्ट से लेके बहुत खर्चा है। एक छोटा सा सेटिंग की वजह से इतना सारा पैसा बर्बाद, और सबसे ज्यादा है कि हमने इतना टीम, इतना मतलब मेहनत तो सभी करते हैं। मुझे पता है इसलिए ऐसा हो रहा था ना कि मतलब चलो ठीक है हमारे पास तो है, हम लगा सकते हैं, बट इफ मान लो कि अगर आप कोई ऐसे होते जिनके पास में वो फाइनल बजट होता, वो अपने घर का पैसा लगा के कुछ करके आते और ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाने के मतलब कुछ बड़ा काम करने आते, अगर उनके साथ में ऐसा कुछ सीन होता तो लोग बेचारे क्या करते, बर्बाद हो जाते हैं ना एवरीबॉडी। मैं वही कहूंगा कि जो भी कैमरा यूजर्स हैं, जो भी करते हैं, जैसे भी आप काम करते हैं, ऑलवेज बी केयरफुल, हर चीज पहले पता टेस्ट कर लेनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा शूट के एक दिन पहले चीजें तो टेस्ट फुटेजेस लेके देखो, उसको चीजें करके देखो, सब कुछ करो, उसके बाद में ही आओ। मतलब मजाक नहीं है वो पूरा शॉर्ट टाइबर, मेरा व्लॉग वॉग कुछ हो जाता था 19 दिन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, 2-4 हो चुका है मेरा, पर वो ठीक है, वो मेरा चीज है, मेरी चीज है, उसमें कोई इतना खास पैसा नहीं लगा, मेहनत लगी होती है वो अपनी चीज होती है, वो आप कर सकते हैं। जितने भी डीओपीस को मैंने फोन किया कभी भी ऐसे नहीं हुआ है, किसी को भी पता नहीं है, तो हमें भी पता नहीं था, हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, पर सी लोग करेंगे, कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्या था कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद सब इतना ज़्यादा थक गए थे, सबकी इतनी अच्छी एक्साइटमेंट एनर्जी सब कुछ था, सब लोग थक के आए थे कि यार आज हम लोग ने कुछ किया और कुछ बहुत अलग और बहुत अच्छा किया। और उसके बाद अगर मैं ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं लोगों को कैसे बताऊं आज के बारे में कि आज ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर उसके बाद मैं जैसे ही सोने गया तो सोने के बाद में मुझे अचानक से बेड पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जैसे आने लगी। मतलब कह सकते हो कि मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं था। वहाँ से मैं गया तुरंत अपने रूम, मतलब हम दोनों बगल बगल में थे, सचिन भाई और टीम हमारी एक रूम में थी और मैं कुछ टीम के साथ में एक रूम में था। मैं वहाँ सचिन भाई के पास में गया, मैंने उनको बताया कि यार मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है भाई, क्या सीन है। तो सचिन भाई बोला कोई बात नहीं, रिलैक्स हो, इनहेल एक्सहेल कर, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स छोड़, कोई बात नहीं होता है, अब क्या कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो होना था वो हो गया। फिर धीरे 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 करते हुए मैंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आफ्टर ऑल बहुत ही डिस्टर्ब होने के बाद में सोना ही पड़ा। अगले दिन शूट था, 5 बजे का कॉल टाइम था और कुछ ही घंटे बचे थे अब शूट शुरू होने में।
फिर मैंने सडनली फ़ोन किया बल्ली भाई को और सब कुछ कैंसिल करवाया और पोस्टपोन कराया एक दिन आगे, क्योंकि एक दिन मुझे ही नहीं हमारी पूरी टीम को चाहिए था एक दिन इस चीज़ को समझने के लिए और मेंटल रेस्ट के लिए, वरना अगले दिन शायद हम काम नहीं कर पाते और वो आउटपुट कभी नहीं आ पाता। पर हमने फिर सोचा कि यार हो सकता है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट हो इससे और आपका लॉस ना हो, इसलिए ये वीडियो बना के मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ब्लॉक एंडिंग अपनी लाइफ में पहली बार करो और शायद आखिरी बार करो, इसके बाद कभी नहीं करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रुक ला गए भाई, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लविंग यार। ऐसे ऐसे सीन्स होते हैं, इतनी मेहनत लगता है और इतना कुछ हो जाता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्यार दो, तगड़ा प्यार दो प्लीज, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, ज्यादा कुछ नहीं आज, कोई कुछ नहीं बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना होगा अपनी मेहनत देख के करना होगा तो कर देंगे।